सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वेद के देसी नुस्खे चैनल और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेद के देसी नुस्खे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बात कर रहा राहुल, आप देख रहे हैं आयुर्वेद के देसी नुस्खे चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विंटर स्पेशल, कुछ फेसियल मैं आपको बताने वाला हूँ जिसको मैं दो पार्ट में बताऊंगा। आज के पार्ट में मैं बताने वाला हूँ, फर्स्ट पार्ट में पहला जो होगा मैं आपको बताऊंगा क्लेंजिंग का और दूसरा स्क्रबिंग का। दो चीज आपको ध्यान में रखना है इन चीजों को अप्लाई करने से पहले। पहला जो है अपने स्किन को जो है पहले फेस पे अप्लाई करने पे नहीं, अप्लाई करने से पहले अपने फेस को बिल्कुल अच्छे तरह से क्लीन कर लें और सॉफ्ट टॉवल से साफ कर लें, देन आपको क्लेंजिंग करना है। और स्क्रबिंग वीक में दो बार करना है। वीक में अगर दो बार से ज्यादा करते हैं, अगर ये प्रोसेस कर चुके हैं दो बार, यानी स्क्रबिंग कर चुके हैं सप्ताह में दो बार, तो आप स्क्रबिंग को स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा उस चीज को आप फॉलो कीजिए, यानी कि फेसियल फैक आएगा और भी एक स्पेशल जो मीटर स्पेशल में बताने वाला हूं आपको दूसरे पार्ट में, जब अगले दिन जो वीडियो आएगा उसमें आपको मैं क्लियर कर दूंगा। स्क्रबिंग वीक में दो भी ही किया, दो बार ही किया जाता है। दो बार से अगर ज्यादा करते तो आपके फेस पे रेसेस आ सकते हैं, अगर आपके फेस लाल हो सकता है, और खासकर जो सेंसिटिव स्किन वाले उनके तो ज्यादा ही रेसेस हो जाती है अगर स्क्रबिंग एक बार से दो बार से ज्यादा करते वीक में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लीनिंग प्रोसेस करना है। क्लीनिंग प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होगी, आपको चाहिए ग्लिसरीन और उसके बाद चाहिए रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध, दूसरा आपको चाहिए मसूर का दाल। सॉरी, क्लीनिंग और स्क्रबिंग के लिए ये तीन चीज बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है, और इसके अलावा कोई भी चीज आपको आवश्यकता नहीं है जो कि आसानी से आपके घर में मिल जाएगा। पहले हम सबसे पहले क्लीनिंग का प्रोसेस करेंगे। तो यहां पे हम ले लेंगे लगभग हाफ टी स्पून जो है हम ग्लिसरीन ले लेंगे। ग्लिसरीन हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है और खासकर विंटर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो तरह तरह के बाहर के आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं उससे बहुत ही ज्यादा बेटर एक्सफोलिएट करता है आपकी स्किन को, साथ ही साथ आपके ओपन पोर्स को क्लोज करता है और स्किन को ग्लोइंग और स्मूथनेस बनाता है। अब इसमें क्या करना है आपको, लगभग 3 से 4 चम्मच जो है आप रॉ मिल्क ऐड कर लीजिए और उसके बाद अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए ग्लिसरीन और रॉ मिल्क को। ये फर्स्ट प्रोसेस जो है क्लीनिंग का प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद आप एक कॉटन ले लीजिए, कॉटन बॉल की सहायता। सबसे पहले अगर आपको हाथ पे अप्लाई करने, अपने फेस पे अप्लाई करने से पहले अपने फेस को अच्छे तरह से साफ करने, हाथ पे एग्जांपल के तौर पे अप्लाई करके बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे तरह से साफ कर ले, उसके बाद आपको इसमें डिप कर लें, ठीक है। डिप करने के बाद इसके आपको ऐसे लगाना है, मैं आपको बता देता हूँ। रॉ मिल्क जो है टोनर का काम करता है और ग्लिसरीन जो है हमारा मॉइस्चराइजर का काम करता है और काफी आसानी से जो है क्लींजिंग का काम करता है। इसके बाद जो है हमें अपने हाथों को साफ कर लेना है, अपने फेस को साफ कर लीजिएगा ठंडे पानी से। जैसा कि हमने यहाँ पे साफ कर लिया है और आप देख सकते हैं ये जो कॉटन बॉल बिल्कुल काला हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है उसके लिए आपको चाहिए मसूर का दाल। मसूर की दाल को करके ग्राइंडर में करके बिल्कुल पाउडर बना लीजिए और पाउडर बनाने के लगभग आपको 1.5 टीस्पून जो है आप ले लीजिए, ठीक है। और इसमें आप जो है 3 से 4 चम्मच जो है रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध ऐड कर लीजिए। इसके बाद जो है इसे अप्लाई कीजिए ऐसे। ऐसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे कुछ तरह अच्छे तरह से बिल्कुल मसाज कीजिए, स्क्रब कीजिए, ठीक है।
स्क्रब करने के बाद इसको 4 से 5 मिनट तक ऐसे छोड़ दीजिए, और छोड़ने के बाद जो है इसे आप धो लीजिए पानी से। हाँ अब आप देख सकते हैं हमारे इन हाथों में और इस हाथों में दोनों में कितना डिफरेंट दिख रहा होगा आपको। तो ये अभी हमने सिर्फ दो प्रोसेस किया है, क्लींजिंग किया है, दूसरा स्क्रबिंग किया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे हाथों पे इतने लाइट आ सकता है, तो आपके फेस पे कितने ज्यादा ग्लोइंग और कितना ज्यादा लाइट आ सकता है। नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है, नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा विंटर स्पेशल फेसियल मसाज और साथ ही साथ फेसियल मास्क भी बताऊंगा, यानी मास्क और आपका फेसियल मसाज दो प्रोसेस जो है, दो मेथड जो है आपको अगले नेक्स्ट पार्ट वीडियो में मिलेगा। ये था आज का विंटर स्पेशल, जो हमारा फेसियल था, पहला क्लींजिंग और दूसरा तो था स्क्रबिंग। ये बहुत ही बेनिफिशियल है, विंटर में बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही ज्यादा आपकी स्किन को ग्लोइंग और सुंदरता प्रदान कर सकता है, और साथ ही साथ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखेगा और आपकी। और ये स्क्रबिंग ध्यान रखिएगा, हफ्ते में 2 बार से ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर हफ्ते में दो बार से ज्यादा करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि रेसेस आ सकते हैं और आपकी स्किन लाल हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं बताऊंगा फेशियल मास्क के बारे में और फेशियल मसाज के बारे में। उम्मीद है दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और अब तक आपने वीडियो देख लिया, यहाँ तक देख लिया, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। इस वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड कर लीजिए ताकि इस वीडियो को आप बाद में देख सके। और ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, क्योंकि अगर बेल आइकन को करते हैं प्रेस, जब भी मैं कोई नया वीडियो जो अपलोड लेकर आता हूं, अपलोड करता हूं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाता है, जिस तरह से हमारे किसी भी वीडियो को आप मिस नहीं कर पाते। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं नए रेमेडी के साथ। और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर, और इसका एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस आप लोग शेयर करते तो आपका कमेंट और आपका मैसेज हमारे पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है, काफी पसंद आता है, और मेरा जो मनोबल है और ज्यादा बढ़ता है आप लोग को तरह तरह के वीडियोज लाने के लिए और तरह तरह के रेमेडीज बताने के लिए। तो धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।